में खुली हुई पाई जाती है तो सील कराई जाती है, या फिर कोई गंभीर अपराध हुआ है, उससे कोई एक्सपायर वगैरह हुआ है तो फिर FIR भी कराई जाती है। सर, मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश था 2017 का, नवंबर 2017 का, उस आदेश के अनुसार सर उसमें सभी RMP डॉक्टर्स को अवैध माना गया था शासन के द्वारा। तो सर इस आदेश पर अभी तक ग्वालियर में क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या कार्रवाई इसमें होने के मतलब है, अगर कोई शिकायत आपको प्राप्त होती है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे RMP डॉक्टर्स के खिलाफ? ये अधिकार एक्चुअली में जिला प्रशासन को है और पिछले वर्ष को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की भी थी मोहना और घाटीगांव साइड में, लगभग 20-25 के खिलाफ प्रवाद पेश हुए थे। समय समय पर कोई शिकायत आती है तो जाँच होती है उसकी। सर ये बताइए कि डॉक्टर राम दवा खाने डॉक्टर सी के शर्मा के द्वारा कहा गया है कि उनकी डिग्रियां हैं वो विभाग में सबमिट कर दी गई हैं, वो विभाग को इस विषय में उत्तरदायित्व दे चुके हैं, तो क्या उनके पास डिग्रियां हैं, उन्होंने विभाग में भी जमा किया हुआ है सर कुछ? नहीं तो वो दिखाना पड़ेगा रिकॉर्ड में, अगर उसके उनके यहाँ से कोई डिग्रियाँ आई हैं, लेकिन मुझे कोई मुझे नहीं मिली सर। यदि MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।